नल के विवाद में एक सिपाही की लाठी डंडे से पीटकर हत्या, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दबिश में जुटी पुलिस। जीवनपुर कोतवाली क्षेत्र के जमीन हरखोरी लड़िया गांव में नाले के विवाद को लेकर सोमवार की रात पट्टारों ने रिटायर्ड सिपाही की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नाले के पानी के विवाद को लेकर हुई मारपीट, एक की मृत्यु, पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। सेवानिवृत्त सुरक्षा कर्मी की पीट पीट कर हत्या, बेटा घायल। पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम, गांव में पुलिस बल तैनात। वहीं आरोपियों की तलाश में पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है। जमीन हरखोरी गांव के पुरवा लड़िया निवासी रिटायर्ड सिपाही नरसिंह यादव 65 वर्ष सोमवार की सुबह घर के सामने नाले की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान घर के बगल में रहने वाले पटदार बलजीत यादव से उनकी कहासुनी हो गई। इसके बाद कुछ लोगों ने बीच में पकड़कर मामले को रफा दफा कर दिया। इसके बाद सोमवार की रात 9:30 बजे के करीब बलजीत व उनके बेटों ने मिलकर रिटायर्ड सिपाही नरसिंह यादव को लाठी डंडे से पीटकर घायल कर दिया। घायल नरसिंह को लेकर परिजन एक निजी अस्पताल पहुंचे और उन्हें भर्ती कराया। इलाज के दौरान नरसिंह यादव की मौत हो गई। घटना की जानकारी होने पर जैनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश देने में जुट गयी। सर, जैनपुर थाना क्षेत्र के में एक रिटायर्ड सिपाही की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है, क्या है प्रमाण और आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? दिनांक 4 नवंबर 2024 को रात में लगभग 9 बजे थाना जीएनपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि गांव हरखोई लठिया में एक व्यक्ति को नाली के विवाद की समस्या को लेते हुए उनके पटीदार द्वारा ही लाठी और ईंट से मारकर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना जीएनपुर पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर व्यक्ति को जिला अस्पताल के लिए भिजवाया गया, जिसमें डॉक्टरों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया था। इसके बाद उनको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। वादी की तहरीर पर 3 व्यक्ति के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीएम की कार्रवाई की जा रही है, बाकी सभी साक्ष्य संग्रहण का कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक व्यक्ति ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है, बाकी 2 व्यक्तियों के लिए 2 टीमें गठित कर दी गई है, उनकी भी जल्दी से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था है, ऐसी कोई बात अभी प्रकाश में नहीं आई है। हम लोग पुलिस बल की पूरी तरह तैनाती कर दी गई है। पीएम हाउस पर, दाह संस्कार के प्लेस पर और घर पर सभी जगह पुलिस बल की तैनाती की गई है।